नमस्ते, मैं हूँ ज्योति। मेरी उम्र है 60। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कोर वर्कआउट। हमारी कोर चलने फिरने उठने बैठने सब में काम आती है। कोर मजबूत ना हो तो कमर में दर्द बढ़ जाता है। मजबूत कोर एक हेल्दी शरीर की पहचान है। आप और कौन से वर्कआउट देखना चाहते हैं कमेंट्स में बताएं, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, आप रह सकते हैं हर उम्र पे फिट। नी टू एल्बो माउंटेन क्लाइंबर्स करने के लिए हाई प्लैंक पोजीशन में आ जाएं। यहां आपकी हथेलियां आपके कंधों के लाइन में होनी चाहिए और कोहनियां सीधी। अब दायां घुटना दाईं कोहनी के पास लाते हुए पैर आगे ले आएं। इसी तरह बायां घुटना बाईं कोहनी के पास ले जाएं। क्रॉस बॉडी माउंटेन क्लाइंबर्स करने के लिए हाई प्लैंक पोजीशन में रहें। अब दायां पैर उठाते हुए दायां घुटना बाईं कोहनी की ओर ले जाएं, और ऐसे ही बायां घुटना दाईं कोहनी की ओर ले जाएं। रिवर्स प्लैंक विद टो टैप्स करने के लिए हाथों और पैरों के पंजों पे उल्टे हवा में उठ जाएं, और दायां पैर बाएं हाथ को छूने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही बायां पैर दाएं हाथ को छूने की कोशिश कीजिए। साइड प्लैंक क्रंच करने के लिए अपने शरीर को बाएं घुटने और बाईं कोहनी पर बैलेंस करें, और दायां घुटना दाएं हाथ को छूने की कोशिश करें। अब यही प्रक्रिया दूसरी ओर दोहराएं। थ्रेड द नीडल करने के लिए एलिवेटेड साइड प्लैंक में आना पड़ेगा। इसके लिए आप बाईं हथेली जमीन पे कंधे के लेवल पे कोहनी ना मोड़ते हुए स्थिर रखें, और दायां पैर बाएं पैर के आगे रख के जमीन पे फिक्स हो जाएं। अब कमर अंदर की ओर मोड़ते हुए दायां हाथ जो सीधा हवा में है उसे बाएं कंधे की ओर ले जाएं। यही प्रक्रिया दूसरी ओर दोहराएं।
एल्बो प्लैंक पल्सेस करने के लिए दोनों कोहनियों और पंजों पर बैलेंस करते हुए धीमे धीमे आगे पीछे जाएं। हाई प्लैंक पल्सेस करने के लिए दोनों हथेलियों और पंजों पर बैलेंस करते हुए धीमे धीमे आगे पीछे जाएं। सुपरवुमन होल्ड करने के लिए पेट के बल लेटें और पैर और हाथ हवा में उठा लें। सुपरवुमन प्रेस करने के लिए पेट के बल उल्टे लेटे हुए पंजे और हथेलियां हवा में उठा लें। हाथ सीधे सामने रखें और कोहनियां मोड़ते हुए हथेलियां कानों के पास ले आएं और फिर हाथ सीधे करते हुए रिपीट करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं।